नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला राष्ट्रीय एकता दिवस आज बरुआ सागर के डॉक्टर आरपी रिछारिया महाविद्यालय में संपन्न हुआ, जहां एनसीसी एवं एनएसएसएस के छात्र छात्राओं द्वारा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्ग आश्रम बरुआ सागर पर प्राचार्य डॉक्टर JPN मिश्रा एवं 56 बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हरीश ब्रजा, एडम ऑफिसर कर्नल संजय मिश्रा एवं सूबेदार मेजर जयप्रकाश द्वारा किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि एकता दिवस हमारे देश की अंतर्निहित ताकत और लचीलापन को फिर से जोड़ने, एकता और अखंडता के लिए वास्तविक और संभावित खतरों का सामना करने का अवसर और हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि और कार्यों से संभव हुआ है। हम सभी को अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना अपना योगदान देने का दृढ़ संकल्प लेना है। रन फॉर यूनिटी के तहत दौड़ का आयोजन स्वर्ग आश्रम बरुआ सागर से प्रातः 7 बजे किया गया। यह दौड़ बरुआ सागर नगर से भ्रमण करती हुई लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुई। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ डॉक्टर विकास वर्मा द्वारा दिलाई गई। रैली में NCC और NSS के सीनियर्स शिवालिक नायक, रंजना, मुस्कान, पलक, राम मिलन, ऋतिक, अंकित, प्रिंस विश्वकर्मा, आलोक कुशवाहा आदि छात्र छात्रा मौजूद रहे। अंत में सभी का आभार नरेंद्र पाठक द्वारा व्यक्त किया गया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बरुआ सागर से पवन कुमार जैन के साथ परम सुख कुशवाहा की रिपोर्ट। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।